हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ में। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बिहार के एक छोटे से शहर से निकल करके मुंबई तक का सफर कैसा रहा? सर ये नया भारत है, लोगों में उत्साह है, पैशन है कुछ करने का। मुझ में भी पैशन था, सपना था कि इस तरह का कुछ काम करना, एक्टर बनना है। बस मुंबई पहुंच गए और किस्मत ने साथ दिया, मेहनत की तो आज आपके सामने हूँ। अहम शर्मा जी से बात हो तो महाभारत और कर्ण का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और खासतौर से इतने सालों बाद भी लोग याद करते हैं और इसे पता चलता है लोगों ने बहुत प्यार दिया है और एक एक्टर के लिए बहुत, इसीलिए एक्टर जीता है, यही सपना होता है कि अपने किरदार से जाना जाए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, एक तो इतना बेहतरीन मैग्निफिसेंट सुंदर किरदार करने का मुझे मौका मिला और मैं अच्छे से कर पाया, लोगों को पसंद आया, तो बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का। और आप सीरियल्स आपने किए उसके बाद अब फिल्म की तरफ आपने रुख किया है, ये ऐसे किरदार मिला है? सर एक एक्टर हर तरह का रोल करना चाहता है और आजकल इस तरह का काम हो रहा है कि आपके पास बहुत तरह के रोल्स करने के ऑप्शन हैं, बहुत पॉजिटिव हर तरह के रोल, मतलब जितने किरदार आपको दुनिया में नजर आते हैं सब किया जा सकता है और ऐसी स्टोरीज बन रही हैं। तो मेरे सपने बहुत हैं, कहते हैं ड्रीम्स अनलिमिटेड, हर तरह के रोल करना चाहता हूं। और मैंने फिल्म्स कुछ पहले भी की थी, मैंने पहले कर ले प्यार कर ले और ब्लू ऑरेंजेस फिल्म महाभारत से पहले की थी, उसके बाद एक फिल्म की मैंने की थी जिसका नाम माई कंट्री लैंड 1962 है, जो कांस वगैरह में गया था, लेकिन रिलीज़ अभी पता नहीं कुछ कहाँ पे अटकी पड़ी है फिल्म। उसके बाद दो तीन फिल्में मैंने की, बगावत एक यहीं लखनऊ के ही संजीव जायसवाल जी हैं उनकी फिल्म है वो मैंने की है, अभी एक फिल्म धूप छाँव मैंने कंप्लीट की और ये यू नो इस अभी एक्टिंग का भूत मैं आपके सामने हूँ, तो इस तरह से जर्नी चल रही है। इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक्टिंग का भूत कैसे सवाल? अभी बहुत शुरुआती दौर है, मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मतलब आप एक बार देखने बैठेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है, बहुत एंटरटेनिंग है, फुल फिल्मी, जिसको एक्टिंग का बहुत पैशन है और कैसे उसकी ज़िंदगी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है वो स्टोरी है, जिसमें रोमांस थ्रिल कॉमेडी सब कुछ है, तो बहुत बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। इंस्टा पे हमने देखा कि आप वर्कआउट करते हुए काफ़ी नज़र आते हैं। वर्कआउट करना तो सर आप एक्टर हैं है, जी 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 हाँ, मैं सिर्फ जिम नहीं करता, मैं मार्शल आर्ट भी करता हूँ, बेसिक जिमनास्टिक करता हूँ, स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है, क्रिकेट टेनिस सब खेलता हूँ, घुड़सवारी भी मौका मिलता है तो अब भी करता हूँ, जो मैंने कर्ण करते हुए सीखी थी, बहुत मज़ा आता है, तो सब करता रहा हूँ सर फिटनेस के लिए। और सिर्फ बॉडी आज वो ज़रूरी भी नहीं, एक एक्टर को लिमिट कर देती है, आइडिया इज़ टू बी फ्लेक्सिबल अजाइल, आप सब कुछ कर सकें, तो मेरी कोशिश कुछ ऐसी, इसलिए आप बहुत तरह के वर्कआउट करते मुझे देखते होंगे शायद। छोटे शहर में भी लड़कों को और मतलब युवक युवतियों को एक्टिंग का भूत बहुत है, एक्टिंग का भूत सब पे सवार है, आप पे भी होगा जरूर मुझे पता है। तो ये एक्टिंग का भूत है, आप पे चढ़ा था क्या कभी एक्टिंग का भूत? तभी तो मैं आज तो जो और स्ट्रगलर्स हैं, जो नए लड़के लड़कियां हैं, उनको क्या सर? स्ट्रगलर्स वर्ड करेक्ट नहीं लगता मुझे, मैंने कभी अपने लिए यूज़ किया ना दूसरों के लिए यूज़ करना चाहूँगा, ये एक जर्नी है, लाइफ है, उसमें आप कुछ पाना चाहते हो, कोई नौकरी करना चाहता है उसके लिए भी स्ट्रगल, अगर कहें तो पढ़ाई करना सालों की मेहनत होती है, तब जाके आप IAS IPS IIT करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो ये भी एक जर्नी है जिसमें लोगों को लगता है क्या कि एक्टिंग बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन एक्टिंग जब आप करने जाएंगे तो समझ में आएगा कि कोई अंत नहीं है और जितना करो उतना कम है। तो जो न्यू कमर्स को बस इतना कहना चाहूँगा, पेशेंस के साथ, अगर बहुत पैशन है, आप ये करना ही चाहते हैं, तब कीजिए, क्योंकि आसान काम नहीं है जितना लगता है देख के। अगर आप में पैशन है तो आप जब बहुत जल्दी टूट जाएंगे, तो बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है, बहुत पैशन है तभी करिए और फिर करिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। नेशनल वॉच से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।